ये कितने साल का है? 31 साल का। अभी छोटा है भाई साहब। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो आज एक और नए ब्लॉग के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तो आज मैं अकेले ही जा रहा हूँ, आज कोई साथ में नहीं है। तो आज नया ब्लॉग बनाएंगे, आई होप आपको पसंद आएगा। और पिछले ब्लॉग में सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो ऐसे ही प्यार देते रहो हर वीडियोज़ में, तो इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देना। तो चलिए मिलवाते हूँ आप। तो ये खड़ी है यहाँ पर, अभी इसको मैंने साफ़ वगैरह कर दिया है, अब ले चलता हूँ यहाँ से। चलते हैं, देखते हैं कहीं जहाँ वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे लोगों के रिएक्शन दिखाएंगे। और मुझे थोड़ा सा काम है, वहाँ पे भी जाना है, थोड़ा पूछना है मेरे को स्टडी के रिलेटिव। तो उसके बाद फिर चलते हैं, ले चलते हैं आपको। चलो राइट। भैया यार चेंज ही नहीं है। आटा शाटा और को पूछता हूँ। गाइस हाथी बिल्कुल मेरे घर के पास आ चुका है, मतलब जिसको मैंने पहले एक बार व्लॉग में लाया भी है, आज घर के सामने है। वो ला रहे हैं वो। ये कितने साल का है? 31 साल का। अभी छोटा है, 60 साल तक होती है ना हाथियों की। गाड़ी का तो आराम से उड़ा देगा ये। 32। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? नहीं ऐसे रहते, मतलब इधर से ही हो? बिहार से। नहीं तो मैं देता 10-20 रुपये, मेरे पे टूटे ही नहीं है। तो गाइस हाथी जा चुका है और हम भी चलते हैं अब अपने काम पे, जो हमारा एम है, तो उसके लिए हम निकलते हैं अभी। वुमेन विदाउट इंडिकेटर, वाह प्रो प्लेयर, शागी लड़की। आज का मौसम धूप भी है और ठंड भी है, काफ़ी ठंड हो गई है हमारे जम्मू में। जम्मू में देखने वाली वो भी मैं आपको बता दूंगा, साथ साथ दिखाता जाऊंगा कि जम्मू में और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली है। फिलहाल तो आप ही का सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे, उतना ही मेरा वीडियो आगे जाएगा, मुझे मोटिवेट होगा, तो फिर मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा आपके लिए। DSP लगा बोल रहे हैं कि भाई जो मोटर व्लॉगर है वो बना सकते हैं वीडियो, अपनी एक्सप्लोर करो जम्मू को, कहीं घूमो फिरो, जाओ कैंपिंग वगैरह करो। बट उसने बोला कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते रोड पे, कि आप मतलब गिली करोगे, स्टंट्स वगैरह करोगे क्राउड एरियाज़ में या ट्रैफिक एरियाज़ में, तो वहाँ पे चांसेस रहते हैं एक्सीडेंट होने के। और जो लड़के मतलब जो ऐसे शूट कर रहे हैं लाइक जैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको भी वीडियोज़ में डाल रहे हैं, कॉन्टेंट वो चीज़ें डाल रहे हैं, तो कह रहे थे वो वायलेंस वगैरह हो जाती है, तो वो चीज़ें जो डाल रहे हैं तो उनका हम चैनल बंद करेंगे। ओवरऑल नहीं, बाकी सारे बना सकते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, वो सब सही है, उसका कुछ नहीं बोला उसने। उसने तो बोला ये चीज़ें बनाओ, हम भी जाते हैं राइड पे, और उसने बोला कि ऐसे ओवर स्पीड कर रहे हो या फिर ऐसे आप पब्लिक प्लेस में, तो वो चक्कर है, बाकी आप बनाओ यार, कोई टेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुँच चुका हूँ, थोड़ा आधे रास्ते पहुँच चुका हूँ ब्लॉक वाली साइड, बट अभी मुझे काफ़ी दूर जाना है, मुझे कॉलेज वाली साइड जाना है, साइंस कॉलेज वाली साइड। अगर मैं फॉर्म में आ गया ना, आना फॉर्म में भाई, तुम्हें खतरनाक झटका लगा ना, कैमरे में भी आ गया होगा भाई, पूरा फोन हिल गया यार मेरा।
मैं खुद हिल गया, मुझे लगा फोन तो गया। भाई बाहर बच्चिया में थी मेरा, मतलब भाई व्यू देख रहे हो, देख रहे हो। तो फ्रेंड्स अभी फाइनली मेरा हो गया काम खत्म। वो था मानिक सर। यार एनल की लड़कियां इतनी सुंदर क्यों होती है, क्यों होती है? चलो भाई शी अपने बच्चों का देखा रिएक्शन, हाय कर रहे थे मुझे। फ्रेंड्स मेरा हो गया काम यहाँ पे सर्विस में, अब चलते हैं वापस घर की तरफ। निकलते हैं फिर यहाँ से। एक तो मैंने इसमें क्लच वायर लगाई जो कि ख़राब हो चुकी है, दूसरा इसका मैंने थोड़ा, हाँ क्लच वायर से क्या हुआ कि पहले हार्ड हो गई थी, इस वजह से क्लच काफ़ी दूर था मेरे हाथ से और काफ़ी टाइट हो गया था, तो वो चीज़ मैंने करवा ली इसकी ठीक। और दूसरा यार इंजन ऑयल लीक कर रहा था काफ़ी दिनों से, मैंने आपसे बताया भी था, तो वो चीज़ मैंने ठीक करवा दी है। एक उसकी सील टूट गई थी, वो भी काफ़ी सस्ती थी 16 रुपये की थी, लेकिन ओवरऑल जो मेरा खर्चा आया हुआ है वो 600 रुपये का आया हुआ है, तो 600 रुपये हो गए मेरे खर्चा। और 200 का तेल डाला था मैंने, तो 800 रुपया मेरा आज लग चुका है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो शेयर।